अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने गांव वाली वीडियो, जिसमें मैं आपको नाइट टूर कराऊंगी और साथ में आपको बना के खिलाऊंगी लाल आटे के बल वाले पराठे और गुड़ वाली चाय, नमक वाली। लास्ट वीडियो मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था और लेट्स नॉट डिले एनी फर्दर, आइए मेरे साथ। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना टूर मेरे सोना सुखवाल का, और ये नाम मैंने रखा है क्योंकि मेरा जो आबाई गांव है वो शादीवाल है, तो उससे मिलता जुलता मुझे यहाँ इतना सुख मिलता था कि एकदम से मुझे लगा कि सुखवाल होना चाहिए इसका नाम। तो आइए मैं आपको टूर कराऊँ सुखवाल का, और उसके बाद आपके लिए बनाऊँगी पराठे और चाय, आइए मेरे साथ। जी, एंटर होने के बाद ये है हमारा बड़ा ट्रेडिशनल सा झूला, और झूले के साथ एक छोटा सा सिटिंग एरिया है, एक लाउंज टाइप, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें तब महसूस हुई। ये लाउंज यहाँ नहीं था, लेकिन हमारे जो लेजेंडरी पर्सन हैं अनवर मकसूद साहब, उन्हें मैंने एक दफ़ा यहाँ बुलाया था, तो उस वक्त हमने टेम्पररीली ये सोफ़े यहाँ मूव किए थे, तो उसके बाद से ये वहीं पे हैं, और हमें लगा कि ये कुछ लोगों के लिए ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं जो चारपाइयों पर ना बैठना चाहें। तो ये एक छोटी सी सिटिंग है जहाँ बैठ के चाय वाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। जी व्यूअर्स, आज आप मेरी थोड़ी सी वॉइस ओवर सुनेंगे, क्योंकि मैंने एक माहौल बनाने के लिए मैडम के गाने बैकग्राउंड में लगाए हुए थे, तो उस पर थोड़ा कॉपीराइट का इशू आ गया, तो लेकिन विजुअली आप उस सब सिनेरियो को और एम्बियंस को एंजॉय करेंगे, सो बी विद मी। ये है मेरा पानदान, पानदान से आप फेमिलियर हैं, थोड़े नट्स, और ये हमारा सिटिंग एरिया है, और ये वो ट्रेडिशनल चारपाइयाँ हैं जिन्हें आपने एक अलग ग्रुप में देखा है, आज आप इन्हें डिफरेंटली देख रहे हैं। और यहाँ एक गेस्ट रूम है और मेरा ड्रेसिंग एरिया भी है, जहाँ मैं शूटिंग वगैरह के लिए चेंज करती हूँ। यहाँ पे साथ में क्लॉजेट्स हैं जहाँ पे सर्दियों के गर्मियों के कपड़े होते हैं और पार्टी वेयर स्विच होते रहते हैं, और आपको तो पता है कि कपड़े हमारे पास जितने भी हों वो कम हैं। और जी, अब मैं आपको कमरे का टूर कराती हूँ और उसके बाद हम बनाएंगे पराठा और चाय, और आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक की वजह से, चूँकि कॉपीराइट इशू था एज आई सेड, तो मैं पराठा बनाऊँगी, आप देख के उसे पिक कीजिएगा, और बहुत सिंपल। ये है हमारा किचन एरिया और खाना खाने की जगह, और ये पुराने स्टाइल की पीढ़ियाँ, स्टील के बर्तन, और वहाँ हम बनाएंगे पराठा लकड़ी पे, और गुड़ भी हमारा पंजाब से फ्रेश बन के आया है, तो आइए शुरू करते हैं। आइए मैं आपको वो कमरा विज़िट कराऊं। ये है जी हमारा कमरा, यहाँ दीवारों पे भी आपको गांव का टच नज़र आएगा, और ये ड्रेसिंग टेबल पुराने स्टाइल की, और चूंकि ये गेस्ट रूम भी है तो यहाँ भी एक सोफ़ा कम बेड है, वो मेरी ड्रेसिंग, और कर्टन्स भी पुराने स्टाइल के वाइब्रेंट कलर्स, और ये वॉशरूम भी है यहाँ पे। आइए अब हम वो काम शुरू करते हैं जिसका इंतज़ार है।